ऐसे दो ऊपर से निकालो, ऐसे ऐसे ऊपर से किनारे से पकड़ो ना, ऐसे नहीं। दोस्तों यहाँ पर पापा बना के लाए चाय और हमारे घर की जो है काली वाली कितली है देखो जी। दोस्तों यहाँ पे देखो पेड़ भयंकर कितनी तरीके से जल रहा है, ये तार है पेड़ है और इसके सामने है बिजली का तार ही देखो, अभी चलेगा नीचे से फूकेगा टूटेगा, ये तार गया। Hey guys, good morning, क्या हाल चाल भाई सभी के, आई होप सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। भाई आज है फ्राइडे, वैसे मार्केट ओपन है लेकिन मेरे को अपना वो देने आना है, क्या बोलते हैं, वोट देने जाना है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नागरिक, देश का एक नागरिक होने के नाते, वो ये है कि आप ट्रेड भी करोगे, सब कुछ करोगे, जिम भी जाओगे, फिटनेस पर भी ध्यान दोगे, प्रॉफिट भी करोगे, लॉस भी करोगे, लेकिन अगर हमारा देश है ना इंडिपेंडेंट है, आज़ाद देश है, यहाँ पे फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल ही होता है ना, ये है सिस्टम, तो भाई आपको पता है कि पूरी पूरी पावर आपके हाथ पे है, मीन्स आपकी उंगली पे है, आपके वोट पे है, तो भाई इसीलिए उस इस पावर को समझो, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, अगर आप 18 प्लस हो चुके हो, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप उठो, घूमते हुए भी जा रहे हो ना भाई, आप वोट डाल के आ जाओ, आपके वहाँ जब भी होंगे वोट डाल के आ जाओ, भले एक वॉक में चले जाओ, एक दिन ट्रेड नहीं करोगे, एक दिन कुछ नहीं करोगे, क्या हो जाएगा, लेकिन आपके एक दिन से एक वोट से अगले 5 साल है ना, आप किसे शासन करने दे रहे हो अपने देश के अंदर, मतलब कुल मिला के जो सामने कुर्सी में इंसान बैठा है ना, जो शासन कर रहा है, जो यहाँ पर देश को चला रहा है, जो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप सौंप रहे हो, उसके जिम्मेदार आप हो, वो नहीं है वो इंसान कि उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, आपने वोट दिया था तब ऐसा किया, आप सही इंसान को वोट देते तब ऐसा होता नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ, अगर आप 18 प्लस हो उनको ये मैसेज दूंगा मैं, बाकी ट्रेड वेड होता रहेगा यार, एक दिन ट्रेड नहीं करोगे, एक दिन जिम नहीं जाओगे, एक दिन वो नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा, वैसे दुकान वुकान सारी बंद है, भूख भयंकर लग रही है मेरे को, और यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं, सुबह सुबह नाश्ता वास्ता कुछ किया नहीं, मैं यहाँ रुका हुआ था और ऐसी रात भर नींद नहीं आई, बाहर जाता हूँ तो ऐसे अकेले मेरे को नींद नहीं आती, मतलब अपना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, बैक टू बैक हर आधे घंटे में नींद खुल जा रही है, तो फिर मेरे को एक तो नींद नहीं आई, दूसरा रात को खाया तो था लेकिन खाना पानी मैंने ढंग से नहीं लिया, और सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया, वैसे दुकान वकान खुली हुई लेकिन मैं तो भूल गया था कि आज तो वोटिंग डे, आज तो सब बंद रहता है शायद, तो देखते हैं कहीं कुछ खुला मिल गया तो कर लेंगे, वैसे नहीं मिला तो फिर घर जाके करना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पहाड़ों के बीच से, यहाँ बढ़िया मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, वैसे सिंगल मतलब रास्ता है, जैसे आप देख रहे हो पूरी की पूरी गाड़ी मेरी रोड पर चल रही है, तो अगर आगे से कोई गाड़ी आती है तो बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, आगे से अगर कोई भी गाड़ी ऐसे आती है ना, तो ये देखो अगर आप देख रहे होंगे तो पूरी रोड पतली सी दिख रही है, और पूरा मेरा गाड़ी का जो आगे का ये बम्पर है पूरा का पूरा, आगे का जो बोनेट है या पूरा आगे का जो फेस है गाड़ी का है ना, ये पूरा रोड पर दिख रहा होगा आपको कि रोड पर चल रहा है, तो इतना पतला सा सड़क है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है अपने घर को जाने के लिए, वरना मुझे अल्मोड़ा से अगर चौखुटे जाना होता है तो मुझे रानीखेत के थ्रू जाना होता है, जो थोड़ा लंबा पड़ता है, भले वहाँ पर भी ऐसी रोड है थोड़ी सी चौड़ी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये बीच जंगलों से होके गुजार के निकाल देता है, तो बहुत शॉर्ट कर देता है रास्ते को, तो इस रास्ते से मैं यूजुअली इसी से ही जाता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है, और यहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत कम रहती है, लेकिन अचानक से आती है इस पर बहुत ज़्यादा इसकी। दोस्तों अभी मैं रास्ते में पहुँच, मतलब आधे रास्ते में ही हूँ, और अपन एक चीज़ मेरे को नोटिस की, मतलब मेरे को एक गाड़ी नहीं दिखी यहाँ से, एक भी गाड़ी, मतलब एक गाड़ी दिखी थी मुझे, वो थी आपकी कौन सी वाली, मतलब इस वाली रोड मेरे गांव वाले रास्ते में एक भी गाड़ी, पूरा रोड खाली है अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा रास्ता खाली है, अभी टाइम हो चुका है 9:24, मार्केट भी ओपन हो गया है, नेटवर्क अभी आ गए, अभी तक नेटवर्क नहीं थे, तो अभी देखते हैं कुछ क्या है अपडेट, मार्केट में नज़र तो रखनी पड़ती है, देखो पूरा रोड वगैरह खाली है, कुछ नहीं मिलता है गाड़ी वाड़ी, एक गाड़ी दिखी थी उसमें, वो सरकारी गाड़ी थी, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कुछ लिखा था उसमें, यूपी सरकार, वो सब इलेक्शन वाली ही दिख रही है, मतलब इलेक्शन में जो उनकी ड्यूटी डाटी लगी ना, उसके अलावा पूरा रोड खाली, बढ़िया मज़ा आ रहा है। हाँ ओके गाइज, अपना गाड़ी रोकी थी मैंने, और मार्केट मैंने कहा ना नेटवर्क आएंगे तो मैं कुछ करूँगा, तो अपन ने यहाँ पर गाड़ी वगैरह रोक के, मैं अभी थोड़ी देर
देखा मार्केट को, मेरे को एक अच्छा खासा सेटअप दिख रहा था मिड कैप में, छोटा सा स्कैल्प किया है। आप देखोगे तो प्राइस एक इस इधर एंट्री बनी थी अराउंड 90 के बाद मैंने इसको 100-107 के आसपास निकाल दिया, छोटा सा स्कैल्प मिड कैप में मेरा 25,000 रुपये बन गया। तो इनफ है, काफ़ी है। आज वैसे ही फ्राइडे है तो अपन ट्रैवल ही करते हैं, 25,000 रुपये बन गया इसके साथ साथ ट्रैवल करते साथ साथ, और क्या ही चाहिए होता है यानी। तो ऐसा नहीं कह रहा इतना आसान है, बट स्कैल्पिंग में लॉस भी इतनी फास्ट ही होता है, ऐसा नहीं है। ट्रेड लेने के बाद -10,000 के नीचे डाउन भी गया था मेरा PNL, लेकिन 25,000 के ऊपर में मैंने उसको काट दिया। इनफा 25,000 का अमाउंट भी ठीक होता है, मतलब आपका खर्चा पानी तो निकल ही जाएगा उससे। दोस्तों अभी मैं पहुँचा हुआ घर पे और मैंने चेंज वेंज कर लिया है, निकल निकल में आ गया। मैं ऐसे ही जाऊँगा क्योंकि बहुत गर्मी है, मुझे पैदल चलना है भाई, मुझे पूरा पैदल चलना है। तो मेरे कुत्ते से ओए खड़ा हो, इतनी गर्मी हो रही है ना, यही सुन पड़ा हुआ है। ए स्कूबी देखो, ये स्कूबी गर्म हो रहा है यहाँ पे, है गर्मी हो रही है, तेरे बाल उड़ा दूँ मैं, बता है स्कूबी। चल गाँव को चल, मैं इसको ले आऊँगा गाँव को, लेकिन ये बेहोश हो जाएगा गाँव में जाते जाते, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना इसकी कंडीशन है, एकदम फर से चिपक के सोता है। तो दोस्तों गांव को मैं निकला हूँ और गांव मतलब ऑलमोस्ट पहुँच गया, थोड़ी देर बाद रोड ख़त्म हो जाएगी मेरे यहाँ पे। मैं आपको बढ़िया मस्त सी चीज़ दिखाऊँ अपने गाँव की ना, तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो ये क्या है, ये पता है, ये नैनीताल से बड़ा ताल है, मतलब ये सिर्फ एक हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं, अभी पूरा उस तरफ को आगे दिखाऊँगा। तो ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं बरसाती झील, जब इसे बरसात होती है, बरसातों वाला सीजन आता है तो पूरा भर जाता है, पूरा मतलब यहाँ तक भरा होता है, अब बहुत गहरा है, बहुत भयंकर। पेड़ वेड़ जितना देखते ना, पेड़ वेड़ कहीं नहीं देखते भाई, वो जो सामने उसमें निशान देख रहे होंगे आपको सामने, वहाँ तक पानी भरा रहता है, वो वहाँ तक भाई बहुत बहुत बड़ी है, उससे गहरी भी है, उससे ज़्यादा बहुत बड़ी भी है। तो ये है यहाँ का तड़ाकताल, मेरे गाँव जहाँ है तड़ाकताल में, वहाँ की बरसाती झील है। अभी इसको झील बनाने के लिए कुछ पास हुआ था, बट अभी क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन अब फिलहाल के लिए बरसाती झील है। जब यहाँ पे बरसात होती है तो ये ताल बन जाता है, फिर बरसात खत्म हो जाती है तो अभी यहाँ पे खेती होती है, जैसे उस साइड पूरी खेती हो रखी है, इस साइड पर तो यहाँ पे दलदल रहता है, यहाँ नहीं होती, उस साइड पूरी खेती हो रही है, देखो उधर पूरी खेती हो रखी है। तो बहुत बढ़िया है, अगर एक बार ये झील बन गई ना मज़ा आ जाएगा, फिर तुम्हारे भाई का रिसोर्ट यहीं होगा। दोस्तों मैं अभी अपने गाँव को जा रहा हूँ और कुछ देर बाद रोड ऑफ हो जाएगी, जो मैं ताल दिखा रहा था पूरा ये है, पुल उल सब उसी के चक्कर में बने हुए हैं, वहाँ पर पुल बना हुआ है सामने। अभी एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या है, मेरे को कुछ खाना है, पानी वानी लेना है, साला मैं कैश रखता नहीं हूँ, एक रुपये कैश नहीं रहता मेरे पास, और मैं बोले तो फ़ोन पे गूगल पे ही करता हूँ, मतलब QR ही करता हूँ, तो मैं कैसे लूँ, और यहाँ मेरे फ़ोन के नेटवर्क ही नहीं है, दोनों फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, पूरा फ़ोन मतलब फ़ोन पूरे के पूरे आउट ऑफ नेटवर्क हो चुके हैं अभी से, तो आप सोच लो तो अब आउट ऑफ नेटवर्क हो चुके हैं, अब कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, कैश वैस तो है नहीं, रुपये है नहीं, किसी से लेना पड़ेगा उधार, आंटी उधार दे दो यार, पापा दे देंगे तुम्हें उधार लेने में वो होता है ना, कैसे उधार लेने में किसी से, चलो ठीक है कुछ नहीं है, तो क्या ही ले, पैसे ही नहीं है अपने पास, गरीब हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, मैं ज़्यादा बोल डाले, आप देखोगे यहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है भाई साहब, बड़ा मुश्किल है। ये आगे गांव में अगर आप देखो यहाँ पर सुनसान, तो मैं गांव के ताऊ के साथ जा रहा हूँ, इनके साथ मैं फिर गांव को भी जाऊँगा। तो अभी ये स्कूल है ना वो वाला, बस खेत वाला स्कूल, तो ये नीचे स्कूल है, यहाँ जाना है अपन ने अभी वोट देने के लिए। तो सुनसान तो मैं खाली देख रहा होगा क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है, ये अपने गांव में जितने लोग हैं सब पलायन कर चुके हैं बाहर बाहर, तो कुछ लोग ये रहे गांव के लोग अपने, बाकी ज़्यादा नहीं रहता है कोई। दोस्तों वोट अपना हो चुका है, डल चुका है फाइनली वोट, हाँ आओ आओ, ये है स्कूल, यहाँ पर उनकी वोटिंग, तो अपना वोट अगर हो चुका है और अब मैं निकलता हूँ गाँव को, क्योंकि पापा ने बोला था दो चार लोग गिने चुने लोग यहाँ बैठे हुए, देखो गाँव वाले वोट दे रहे सब उधर ही बैठ रहे हैं, तो फाइनली डन। दोस्तों तुम्हें बड़ी मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ, अपने यहाँ गांव में ऐसे धारे होते हैं छोटे छोटे, इनका जो पानी होता है एकदम प्योर साफ पानी होता है, पीने वाला पानी प्रॉपर, देख रहे हो प्रॉपर साफ पानी। दोस्तों वोट डाल के अभी वोट मुझे डालने के लिए वो सामने वाले पहाड़ पे जाना था, पार स्कूल है वहाँ पे अपना एक, और मेरे जो गांव के चचा था वो लोग आए थे नीचे, वो थोड़ा खाने पीने में मौज है चल रही उनकी, तो भाई वो तो वहाँ से मैंने वोट देने के लिए उधर गए थे, मेरे साथ भी आए, तो उनको नीचे दुकान पर
छूट गया है मैं, अभी मैं अपनी फाइनल एंडिंग में गाड़ी पार करूँगा। कुछ ऐसी रोड है अपने यहाँ को देखो, ये यहाँ से अभी मैं जहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर एक पुल है, वहाँ पर एंड हो जाता है इसका। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी पार्किंग, यहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क होगी फाइनल एंड। इस तरफ से उधर को मैं वोट डालने गया था, अब मैं यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ गाँव का। ये रास्ता है मेरे गाँव को, यहाँ से मेरे को ऑलमोस्ट ये मान लो एक घंटा करीबन लगेगा पैदल, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। और मेरे पापा मम्मी पापा लोग, जैसे मेरा छोटा बैग है तो मेरे पापा पूरा पिट्ठू होता है, पहले अपने पास पूरा पिट्ठू होता था, अभी तो यहाँ रोड आ गई है। यहाँ से अभी 5 किलोमीटर नीचे से पहले हम वो उसका आटा पिसवाने जाते थे, तेल का कनिस्तर हो गया वो लेके आते थे। मैं अभी तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये है पापा ने यहाँ पर स्कूटी खड़ी कर रखी है, वह स्कूटी ले आए थे। ये देखो स्कूटी खड़ी करी अपनी, कहाँ कहाँ ठोक रखी इनने। ये वो स्कूटी है ये पापा को गिफ्ट की थी मैंने, मैंने ही खड़ी कर रखी है, तो यहीं पर है यहीं से, क्योंकि ये रास्ते पर नहीं जा सकती गाड़ी। तो अभी अपन निकलते सीधा पैदल मार्च शुरू करके गाँव को। दोस्तों ये है अपने सामने, इतना बुरा दृश्य देखने को अपने को मिल रहा है, आग लगा दी भाई जंगलों में। अपना समझ के इंसान हम लोगों ने ना गांव वालों ने कि अपना जंगल है भाई फूंक दो, अब वहाँ पर जानवर भी तो होगा भाई, उसका भी तो सोचो। तो दोस्तों अभी मैं अपने गांव के बीच उस पर हूँ, देखोगे इधर उधर ये कोई गांव का बच्चा वो घूम रहा है। और यहाँ पर मैंने अपना ड्रोन निकाला क्योंकि मेरे को यहाँ पर ड्रोन शॉट लेने आपको, अभी मैं कितना टाइम लगता है अभी अपने को गाँव पहुँचने में आपको दिख जाएगा, बहुत बहुत लंबा रास्ता भाई। फाइनल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पे, ये लोग अपना गांव। और यहाँ ऊपर पूरी देखो कैसी जल रही है यार, पूरा पूरा आग लगा रखा है पूरा किस्सा उस पर भयंकर तरीके से। और ये रहा अपना पूरा गांव, और पसीने से तरह तरह के यहाँ पहुँचा हूँ। हैं ताऊ भी हैं यहाँ, ताऊ भी आ रखे हैं अभी घर पे, ताऊ से मिल लेते हैं। तो ऊपर कट रहा है गेहूँ, और यहाँ पर मैं तुमको अपना अपने गाँव का प्रसिद्ध धारा दिखाता हूँ जो कि अब सूखने की कगार पर है। ये देखो ये इसका जो पानी आता है, मैं वो बोला ना एक बार इसका पानी पी के देखना भाई साहब, इसकी पानी में पुदीना है, पुदीने का प्रॉपर फ्लेवर कैसे, ये देखो पूरा पुदीना, पूरा का पूरा पुदीना। देखो अपने ऊपर घर के ऊपर जंगल है पूरा पूरा, काटना होगा ना देख तू भैया को देख उजाड़ खा दिया है देख लो कितना गहरा गहरा उसमें, बहुत गहरा घुसा है यार, ये बड़ी दर्द करता है ना इसमें, ये चुप जा रहे हैं इसके खच खच इसमें चले जा रहे हैं। भैया को बात नहीं देना, कैसे बातें हैं ऐसे, दो ऊपर से निकाल दो, ऐसे ऐसे ऊपर से किनारे से बोलो ना ऐसे ही अम्मा का फू बात हुई थी घर घर के ऊपर देखो कितनी भयंकर आग चल रही है, पूरा पत्थर ही पत्थर आ रहे ऊपर से खिसक खिसक, पूरा जंगल फूंक दिया इन्हें यार जिसने लगाई होगी आग, ये बुझाने जाऊंगा तो मैं ही फूंक जाऊंगा उसमें, इतनी भयंकर आग है।
दोस्तों मैं अभी निकल रहा हूँ, पापा अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, तुम्हें आगे आवाज़ सुनो चिड़ियाओं की। ये जो सारे पेड़ है ना ये अखरोट के हैं, और इसमें से ये वाले जो पेड़ है अपने वाले यहाँ पे आई थिंक वाला भी है। फिर यहाँ पे ताऊ लोगों के हैं, ऊपर कुछ इतने पेड़ अखरोट के दिख रहे, ऊपर गाँव वालों के हैं। तो यहाँ पर अखरोट होता है, नींबू होता है, संतरे होते हैं, जिसमें अपना माल्टे का बगीचा दिखाया था, बांस पे हिसाब होता है, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन ये जो ठंडी इलाकों में होने वाले फ्रूट है ना ये सारे यहाँ हो जाते हैं। तो मैं अभी निकलता हूँ फिलहाल नीचे को, पापा आ जाएंगे, पापा को क्योंकि अपनी स्कूटी से आना है, मैं गाड़ी लेके जाऊँगा क्योंकि आप लोगों के लिए ब्लॉग वगैरह अपलोड भी तो करना है भाई। दोस्तों यहाँ पर पापा बना के लाए चाय और हमारे घर की जो है काली वाली कितली है देखो ये दो मिस्री रखी है इसमें देखो कहते काला झोल लगेगा मेरे हाथ में, देखो झोल लग भी गया अब तो पी ले अपनी चाय। हाँ तो लकड़ी में ही बनता है, सबको पता है गैस कहाँ से आएगी, जहाँ नेट नहीं हो गैस कहाँ से आएगी, रोड भी नहीं है गैस कहाँ से आएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए भयंकर तरीके की आग, अपन आग के बीच से होके जा रहे हैं, जंगल फूके भयंकर तरीके से फूक गए यहाँ के जंगल। ये देखो दोस्तों यहाँ पर देखो पेड़ भयंकर कितनी तरीके से जल रहा है, ये तार है पेड़ है और इसके सामने है बिजली का तार, ये देखो अभी चलेगा नीचे से फूकेगा और टूटेगा, ये तार गया समझ लो तार। आ,